जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते ही आ रहे हैं तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उन्हें संबोधित करते हुए बोले प्रिय अयोध्या वासियों ज्ञात है कि आप लोगों का मेरे प्रति अटूट और निश्चल प्रेम है और इसीलिए आप लोग मुझे बार बार अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रहे हो यद्यपि आपके इस प्रेम को टालना मेरे लिए अत्यंत कठिन है किंतु मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरी विवशता को समझने का प्रयास करें क्या आप लोग चाहेंगे कि मैं पिता की आज्ञा भंग करके पाप का भागी बनूं? मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे वास्तविक स्नेह रखते हैं और ऐसा कदापि नहीं चाहेंगे अतः आप लोगों के लिए यही उचित है कि मुझे प्रेम पूर्वक वन जाने के लिए विदा करें और भारत को राजा स्वीकार करके उनके निर्देशों का पालन करें और भी अनेकों प्रकार से नगरवासियों को समझा बुझाकर राम ने सुमन से पुनः रथ को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया कुछ क्षणों के लिए राम के कथन का प्रभाव प्रजाजनों पर पड़ा किंतु रथ के चलते ही वे फिर से रोते बिलकते रथ के पीछे चलने लगे वे राम लक्ष्मण के प्रेम की दौर में इतना अधिक बंधे थे कि चाहकर भी राम के द्वारा दिए गए उपदेशों और निर्देशों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे और विवश होकर बरबस रथ के पीछे चले जा रहे थे उनकी बुद्धि उन्हें रोक रही थी किंतु हृदय उन्हें रथ के साथ घसीटे लिए जा रहा था उनकी भावनाओं के आगे उनका विवेक कुछ भी काम नहीं कर पा रहा था अपनी बातों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ते देखकर राम ने सुमन से रथ को और तेज चलाने की आज्ञा दी और रथ की गति तेज हो गई किंतु भावाभिभूत प्रजाजनों की भीड़ फिर भी रथ के पीछे दौड़ी ही जा रही थी तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते रथ के अश्व भी क्लांत हो चुके थे तथा उन्हें विश्राम आवश्यकता थी मंत्री सुमंत ने रथ वहीं रोक दिया राम सीता और लक्ष्मण तीनों रथ से उतर आए वे तमसा के तट पर खड़े होकर उसकी लहरों का आनंद लेने लगे इतने में ही रोते बिलकते वे सहस्त्र अयोध्यावासी भी वहां आ पहुंचे जो रथ की गति के साथ न चल पाने के कारण पीछे रह गए थे उन्होंने चारों ओर से राम लक्ष्मण तथा सीता को घेर लिया और अनेकों प्रकार के भावुकतापूर्ण तर्क देकर उनसे वापस अयोध्या चलने का अनुरोध करने लगे रामचंद्र ने उन्हें अनेकों प्रकार से धैर्य बधाया उनके कुछ शांत होने पर रामचंद्र ने प्रजाजनों से प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि वे वापस लौट जावें राम तथा प्रजाजनों के मध्य संवाद अबाध गति से चलता रहा और रात्रि हो गई भूख प्यास तथा लंबी यात्रा की थकान से आक्रांत अयोध्यावासी वही वन के वृक्षों की कंद मूल फल खाकर भूमि पर सो गए जब ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र की निद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों की ओर देखकर लक्ष्मण से बोले भैया मुझसे इन प्रजाजनों का ये त्यागपूर्ण कष्ट देखा नहीं जा रहा है इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहां से निकल पड़े अतः हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो वरना ये जाग कर फिर हमारे पीछे पीछे आने लगेंगे राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमन से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया पूर्वासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ में सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए पूर्ववासियों की निद्रा भंग होने पर वे सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए आगे जाकर मार्ग कथरीला पथरीला हो गया था इसलिए रथ के लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गया अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब वे रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े